खरगोन में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बहुचर्चित सोनम ड्रिनिंग में 8 लाख की लूट का अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चट्टी बनियान गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है। गिरोह के मास्टरमाइंड विजय सहित 5 आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 60,000 रुपये नकद, एक कार, एक बोलेरो जीप सहित 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। खरगोन शहर के विश्राम रोड पर 30 और 31 मई की दरमियानी रात को सोनम जिनिंग फैक्ट्री में चड्डी बनियान पहले 8 लोगों के लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने करीब 7 दिन तक लुटेरे की गुजरात में रहकर रेकी करने के बाद गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दाहोद के एक मुखबिर की सूचना पर सोनम जिनिंग फैक्ट्री की लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को क्या कुछ बताया, सुनिए। एक बड़े ऑपरेशन में खरगोन कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें इंटरेस्टेड गैंग के 3 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि 30 और 31 मई को कोतवाली क्षेत्र में सोनम कॉटन जिनिंग मिल में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात बदमाशों ने घुस के करीब 7 और 8 लाख रुपए की राशि चोरी की गई थी। उस समय घटना के समय जो कर्मचारी वहाँ मौजूद थे उनके साथ भी रेजिस्टेंस हुआ, पथराव की घटना हुई थी। ये एक चैलेंजिंग घटना थी। इसमें जो टीमें गठित की गई, राकेश मोहन शुक्ला SDOP खरगोन के नेतृत्व में, थाना प्रभारी कोतवाली, हमारी साइबर टीम, पूरी टीमों ने लगातार काम किया और ये दाहोद का जो गैंग है ये बेसिकली चड्डी बनियान गैंग के रूप में ऑपरेट करते हैं। घटना के समय पकड़े जाने से बचने के लिए और अपनी पहचान छुपाने के लिए सामान्यतः अपने कपड़े उतार लेते हैं, कपड़े को अपनी कमर में बांध लेते हैं जिससे इनकी शिनाख्त न हो पाए। तो लगातार हमारी टीमें दाहोद में कैंप कर रही थी। इसमें पुलिस अधीक्षक दाहोद और अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक की टीमें भी इसमें जुड़ी हुई थी, वो भी मदद कर रही थी। इनको हिरासत में लिया है। इस जो घटना में जो गाड़ियाँ यूज हुई थी, इसमें एक बोलेरो गाड़ी थी, एक 4-व्हीलर दूसरी थी और 3 मोटरसाइकिलें इसमें जब्त की गई हैं। ये कुल मिला के करीब 8 लोगों का गैंग है। इस गैंग से जो पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा विगत महीनों में जलगांव महाराष्ट्र, देवास और उसके अलावा बांसवाड़ा राजस्थान, अलीराजपुर, बड़वानी और धार जिलों में इसी मोडिस ऑपरेंडी के क्राइम किया जाना कबूल किया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, उनकी टीमें आके भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। सर अभी कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी इस केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। केस में करीब 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। बाकी आरोपी गिरफ्तार होंगे तो केस में जो बाकी जो चोरी की प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा। कितने की चोरी थी और कितने रुपए जब्त हुए अभी? ये बेसिकली जो घटना रिपोर्ट हुई थी करीब 8 लाख रुपए की रिपोर्ट हुई थी। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं ये बेसिकली सारी जो चोरी की प्रॉपर्टी थी सभी आरोपियों ने बांट ली थी। कुछ इन्होंने जो किराए से गाड़ियाँ लेके आए थे उसका भुगतान किया था। तो अभी जो आरोपियों के कब्जे से जब्त हुआ है वो 60,00,000 के आसपास कैश जब्त हुआ है। 6 आरोपी अभी भी इसमें एब्सकॉन्ड कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होने पे, और इनके द्वारा चोरी की प्रॉपर्टी से जो असेट खरीदे गए हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसको भी चोरी की प्रॉपर्टी के रूप में हम लोग सम्मिलित करके जब्त करेंगे। सर मास्टरमाइंड फरार ये बेसिकली विजय है, इसके बारे में अभी पता लग रहा है कि पूर्व में कहीं ऑलरेडी इसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके बारे में डिटेल जानकारी ले रहे हैं, जल्दी इसको प्रोडक्शन वारंट पर लेके आएंगे। और भी नेटवर्क होगा सर इनका बड़ा? ये बेसिकली क्रिमिनल ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं और ये मोडस ऑपरेंडी क्राइम है। ये इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, गाड़ी किराए से हायर करते हैं और टारगेट को तय करके और घटना करके पहुंच जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया अभी तक जो लिंकेजेस मिले हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इनके द्वारा घटना किया जाना कबूल किया। नरेंद्र भटोरे की रिपोर्ट।